ब्रिक्स समिट से पहले अमेरिका के बयान को लेकर भी मनीष अब खबर आ गई है। व्हाइट हाउस की तरफ से क्या कहा गया जानिए। हम नहीं मानते कि ब्रिक्स प्रतिद्वंदी बन रहा है, आप अपने सहयोगियों से हमारी मजबूत साझेदारी है। और आइए एक नजर डालते हैं ब्रिक्स और G7 से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। ये आंकड़े बहुत अहम हैं। विश्व GDP में हिस्सा देखिए क्या है, ब्रिक्स को जानिए। ब्रिक्स 2000, ये देखिए GDP में हिस्सा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ब्रिक्स का 29%। अगर G7 देशों की बात की जाए, उससे इसकी तुलना की जाए, तो विश्व की GDP में हिस्सा G7 देशों का है 43% और ब्रिक्स का 29%। हालांकि वस्तु व्यापार में भी हिस्सेदारी को लेकर ये आंकड़े हम समीर सामने रख रहे हैं, क्योंकि 22% ब्रिक्स के लिहाज से और 31% है G7 को देखते हुए। जी हाँ, विश्व आबादी में हिस्सेदारी देखिए ब्रिक्स की 46%, 46% और G7 की 10%। और ऐसे में ब्रिक्स की वैल्यू क्या है, ब्रिक्स क्या कर सकता है और ब्रिक्स के मंच से क्या फैसले लिए जा सकते हैं, इस पर सबकी नजरें हैं। प्रोफेसर अमिताभ, उम्मीद क्या की जाए ब्रिक्स मीटिंग से, उम्मीद क्या की जाए, किसको क्या मैसेज दिया जा सकता है, किस तरह से संबंधों की बहाली हो सकती है? अगर हम चीन के मद्देनजर देखें, क्या आपको लग रहा है, क्या बड़ा मैसेज इस बार की ब्रिक्स बैठक में निकलकर सामने आता दिख रहा है? देखिए, एक सबसे बड़ा मैसेज यह है जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत और चीन का जो रिलेशन था और उसको हर क्वेश्चन करते थे, जितने भी आर्टिकल्स पढ़ लीजिए आप वेस्टर्न लिटरेचर में, उन सब कहते थे भारत और चीन का की अनबन है, वो सेटल हुआ है। और इकोनॉमिक फ्रंट पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे, जैसा एक स्विफ्ट सिस्टम है जो वेस्ट बैंकिंग ऑपरेशन उस पर चलता है और वो सिर्फ कोडिंग सिस्टम है, उसके अल्टरनेटिव के लिए रूस बहुत दिन से प्रयास कर रहा है और सैंक्शंस लगने के बाद वो फिर करेंसी में आ गया है। दूसरा, एक जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एक होता है IMF वर्ल्ड बैंक, जो पैसे हम लेते हैं या जो देते हैं, वो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होता है, एक तरह का आप कहें IMF वर्ल्ड बैंक का करेंसी होता है। उसी तरह का स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है वो IMF वर्ल्ड बैंक के तर्ज पे ब्रिक्स बैंक भी शुरू करे। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी कि इसमें तीन बड़े राज्य हैं जो सैंक्शंस के मद में आए हैं, चाहे वो ईरान हो, रूस हो और कुछ हद तक चीन भी है, क्योंकि आपको याद होगा ट्रंप के समय से कई सारे 300 लगभग गुड्स थे जिन पर सैंक्शंस लगाए गए थे कि वो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं या टैरिफ बढ़ा दिया गया था। चीन भी इसका मुखभोगी है और उस टैरिफ वॉर में चीन कहीं ना कहीं अपने आप को एक डिफेंसिव पोजिशन में आ जाता है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। यानी पूरी तरह से जो इकोनॉमिक क्रिपलिंग सैंक्शंस रूस पे लगे हैं और अब नया सदस्य जो ईरान है उस पर लगे हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। यानी डी डॉलराइजेशन, एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, यानी वी डॉलरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन अभी तक हमको ये याद रखना होगा कि 95% जो दुनिया में व्यापार होता है वो डॉलर में होता है और चीन किसी ना किसी तरह चाह रहा है कि रेनमिनबी या युआन, जो उसका उसकी करेंसी है, उसको और पॉपुलर किया जाए। अर्जेंटीना को उसने लोन दिया है कि रेनमिनबी मुझसे लो और जो IMF वर्ल्ड बैंक के लोन है उसको डॉलर में वापस करो।